आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। By which name was the Jim Corbett National Park known when it was first established in year 1936? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहले किस नाम से जाने जाते थे वो हमसे पूछा गया है। तो फर्स्ट इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1936 में, और अगर देखा जाता है तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, जिसको ओल्डेस्ट नेशनल पार्क हिसाब से भी जाना जाता है। और इसका जो नेम है वो यहाँ पे दिया गया था हेल्स नेशनल पार्क, और इसका जो एरिया बनता है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 1221 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट ऑप्शन जो कि हिल्स नेशनल पार्क है उसी को यहाँ पे टिक कर लेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये अभी का नाम है जो कि जिम कॉर्बेट में दिया जाता है, ये पुराना नाम नहीं है। और उसके बाद है जो कि सरिस्का नेशनल पार्क है, और ये नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में पाया जाता है, जिनका एरिया जो है वो 881 किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं सुंदरवन जो है ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, यहाँ पे लोकेटेड है, और इसका एरिया जो है वो है 1330 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसी हिसाब से अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा करेक्ट होगा, और उसी को हम यहाँ पे टिक कर लेंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।